बाकी मेरे काफी सारे दोस्त आए, राजीव रुहिया जी, अमन सर, टी सीरीज प्रेजेंट्स मुकम्मल ना हुई चाहत, हमारे को स्टार दिशा जी एंड देवेन जी, शामी कम, देवेंद्र नेगी साहब, सो एवरीवन, ये मार्क करता है द लॉन्च ऑफ टी सीरीज न्यू एल्बम मुकम्मल ना हुई चाहत in association with Starcraft Manoranjan Private Limited, starring Bhagyashree and Santosh Mijkar, singing debut of Shaurya Mehta and female vocals by Deepa Udit Narayan, our music team, DH Harmony, SRM Alien, our lyrics by Rishi Azad, director Shivaji Lotan Patil, EP Gautam Sharma, DOP Amol Bole, choreographer Pradeep Kalikar, co-producer Rajesh Bhaupar, and all our amazing guests on stage. Ek bar zordar taaliyan ho jaye is moment ke liye everyone. Main chahta hu ki Shaurya ji ki mummy ji aur Ashok ji bhi aaye. Sir, please. And Sanjana. एक चीज मैं सबको एक बार जरूर बता दूं, ये चीज जाने बगैर पूरा इवेंट अधूरा है कि ये सॉन्ग 5 लैंग्वेजेस में गाया गया है. ऑलरेडी कंप्लीटेड पंजाबी एंड कन्नड़ एंड वी आर आल्सो कमिंग अप विद मराठी एंड वी आर आल्सो डूइंग तेलुगु एंड आई एम सिंगिंग कन्नड़ या आई एम सिंगिंग इन मराठी तेलुगु यस पंजाबी एंड हिंदी. भाग्यश्री जी आप कौन सा वाला वर्जन सुनना चाहेंगे? हाँ, हाँ, I've done, so मराठी अभी हुआ नहीं है, so आपका favorite? आता मी केला ना है, मी कहे करे तो पंजाबी रिकॉर्ड हो गया है तो तुसी सुन लो. ओके, ठीक है, that's interesting. भागीरथ जी आप जरा ये रिक्वेस्ट करें सबकी तरफ से, 2 lines of Punjabi. Done. Thank you. Okay. So as per Bhagyashree ji's request and your request, I'm going to try and sing the Punjabi song. I hope you like it. Taaliyan everybody. Mukammal na hoi chaahat kisi to ki gila kariye. Mukammal na hoi chaahat kisi to ki gila kariye. I'm not gonna say the further because थोड़ा तो suspense रखना पड़ता. मैं गाने लगा था, मैं बोला यार आगे हम लोग release क्या करेंगे फिर. Thank you so much. Director साहब ने सब कुछ सिखा कर भेजा है. तो I think questions भी हम यही लेने वाले हैं. तो open to the media. Can we once again have the core team on stage for the questions? Guys, can we have the core team, everybody on stage, please? सारी टीम की मेहनत और लगन देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा कि ये टीम इकट्ठा आई और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है. और सबसे अहम ये बात है कि शौर्य का टैलेंट निखार के आया है. सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग. थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ हर. थैंक यू. या हाय, दिस सुहेल ओयो आपके सामने यहाँ पर. हाँ, भाग्यश्री आपको, शौर्य को और द एंटायर टीम को बहुत बड़ा बड़ा आई मीन यू अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल. थैंक यू. देयर मे बी लॉट्स ऑफ ऑफर्स दैट मस्ट हैव कम एक्चुअली इन इसके पहले भी भाग्यश्री जी. व्हाट वाज द रीजन टू रियली बी अ पार्ट ऑफ दिस एल्बम? लाइक आई सेड अर्लियर, आई लाइक द सॉन्ग एंड आई लाइक द कंसेप्ट बिहाइंड इट. इट्स ऑल्सो अबाउट फर्स्ट लव. माई फिल्म वॉज अबाउट फर्स्ट लव. And sometimes unrequited love creates memories of everyone's past and childhood or their youth. So it's a connectivity that one would have with the listeners, which is what I found very interesting. Because aajkal kaane to bahut sare bante hain,
लेकिन जैसे पुराने गाने हुआ करते थे जहाँ पर शब्द, लिरिक्स, धुन सब याद रहती है, आजकल के जो नए गाने बनते हैं वो कम समय के लिए चलते हैं, वो जहन में उतरते नहीं. दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू रिमेंबर. यू वुड लाइक टू रिमेंबर द लिरिक्स, द ट्यून, द वे इट इज संग, एंड समवेयर इट टॉक्स अबाउट एवरीवन्स पास्ट लव. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. या आपको किसने अप्रोच किया था, लाइक हु वाज अ पर्सन हु अप्रोच्ड यू फर्स्ट, और देन हाउ मच टाइम डिड यू टेक, और यू रियली पाटिल जी केम टू मी विद दिस. दे सेंट मी द सॉन्ग, दे आस्क्ड मी टू हियर द सॉन्ग, एंड आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई फाउंड द सॉन्ग वेरी नाइस, एंड देन दे सेड नहीं आपको वापस, डोंट हियर इट ऑन फोन, आपको सही तरीके से सुनाएंगे और उसके बाद आप डिसीजन लेना. सो yes, I heard it in a proper studio, and after which I agreed to be part of this. Shaurya, songs to bahut hai, aur you are too young actually, you know, for this song. Aapki awaaz bahut achhi hai. Thank you. To romantic ya koi, you know, melodies ko aapne nahi chuna this song particularly, what was the reason? I think, see, music for me is a very soulful experience overall. एंड एक सोल हर एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी होती है और एक कर रही होती है या करने वाली होती है. एंड यू आर लिविंग इन, यू नो, एंड व्हेन यू आर सिंगिंग, आई थिंक आई एम ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, बट ये था कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी थी फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ द मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ द सॉन्ग, एंड एक गाने से कनेक्ट करना. आई मीन, लाइक इन माई पास्ट आई हैव एक्चुअली सॉन्ग, लाइक नॉट कमर्शियली, बट आई हैव सॉन्ग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, एंड यू नो, हर एक सॉन्ग का अपना एक मूड होता है, एक हर एक का एक अपना मीनिंग होता है, एंड आप उसे एक अपने हार्ट से, उसे अपने सोल से गाएं, और उसको, यू नो, इफ़ यू कैन गिव सम ग्रेविटास टू इट, देन यू हैव गिवन दैट सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन दैट यू कैन सिंग दैट सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग इज़ मेड फॉर यू. एंड माई एंडेवर इज़ कि मैं हर सॉन्ग को उसके ही फील में, उसके ही मूड में गा सकूँ और गाते रहूँ. सो दैट इज, सो इफ यू कमिंग बैक टू दिस, दैट वॉज द बेस फॉर दिस. सो हियर I would say that I didn't think that this song shouldn't be done by me. I just felt that I just have to be in a different mood. So I just, you know, ek tarike se ek you get in that mood and you sing the song. I think he acted with his voice, basically, which he did not go through. I mean, he's got a beautiful wife, so I'm sure he didn't have a heartbreak there. But yeah, so if he could sing a heartbreak song without having his heart broken, kudos to you. Bhagyashree, mukammal na hui chahat, aapki to mukammal hui thi actually. To kuch aap apne bare mein share karna chahoge, ya fir iske pehle kabhi aisa koi aisi memory thi jahan par, I think so, before your movie. I have gone through this emotion, sir. Yes, Himalay ji was my first love, and yes, I got married to him. Lekin ek arsa tha beech mein jahan par hum juda ho gaye the. And this had that feeling that what if I hadn't got him in my life and had married someone else. It got me to that stage because there was a period of a year and a half that we weren't together. Aur wo ehsaas abhi bhi yaad aata hai to dar lagta hai. आप सभी के लिए बाहर प्रोजेक्टर पे सॉन्ग चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन में ही कुछ संघर्ष लिखा है, लाइफ में देखते हैं अभी क्या है. नहीं, वो भी हो, आप प्लीज़ सब बाहर. Thank you so much. A very big congratulations once again to the whole team of Mukammal Na Hui Chahat. Coming by T series and a big debut for our singer Shaurya Mehta. Hello.